मैं विनोद नायक आज के वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगा हैरो साउथ हैरो। दोस्तों इस वक्त हम लोग हैरो में हैं, लंदन से 14 माइल्स दूर ये जगह है। इस जगह का नाम है हैरो। हैरो अलग है और साउथ हैरो अलग है। तो इस वीडियो में हम लोग श्रीलंकन सुपरमार्केट देखेंगे। अगले वीडियो में आपको अगर चाहिए तो पूरा हैरो के दर्शन भी कराएंगे आपको। यहाँ पे बहुत सारे आपको देसी लोग। तो भाई पहुँच गए हम लोग साउथ हैरो। साउथ हैरो में आपको आधा घंटा फ्री पार्किंग है। आपको यहाँ पे नंबर वगैरह अपना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डालना है और उसके बाद टिकट निकालो। आधा घंटे के लिए फ्री है तो हम लोग को आधा घंटे से ज़्यादा लगेगा, इसके लिए मैं एक घंटे का पार्किंग निकाल रहा हूँ। तो ये है शॉप प्रभा ग्रॉसरी, श्रीलंकन शॉप है। अरे मसाला पीसने का पत्थर का कीमत है 90 पाउंड। इससे छोटा वाला भी है, 60 पाउंड, 80 पाउंड, 50 पाउंड वाला भी है। और ये वॉक इन फ्रिज, यहाँ पे आपको ढेर सारी देसी सब्जियाँ मिलेंगी। कोथमीर, ओले कोथमीर। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में आपको कोंकणी वॉइस ओवर मिलेगा क्योंकि ये वीडियो कोंकणी में मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, अब मैं हिंदी में बना रहा हूँ। कोंकणी चैनल का नाम है कोंकणी टीवी। और आप देख रहे हैं नाइक 78 आमला का कीमत देखो 799 आमला। मीन टीस 1 पाउंड का एक है, सिर्फ 1 पेंस कम है। दिल लीव्स का कम कीमत ये है, पार्सले 99 पी ईच, जो कि देसी लोग कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ पर जो सब्जी आती है ज्यादातर श्रीलंका से आता है और कुछ इंडिया से भी आते हैं। कच्ची कैरियां साल के 12 महीने आपको मिलेंगे यहाँ पे। अपने यहाँ पे क्या होता है कि सीजन में ही आपको कच्ची कैरियां मिलती है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दुनिया भर से सामान आते हैं यहाँ पे, तो साल के 12 महीने आपको कच्ची कैरियां मिलेंगी। और ऐसे अच्छे अच्छे सब्जियां भी, ढेर सारा सब्जी का वैरायटीज है यहाँ पे। इसको स्कॉच बोनेट बोलते हैं, काफी तीखा मिर्ची होता है, जमैकन लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। टर्किश चिल्ली, गाजर 1.5 पाउंड किलो 699 किलो। श्रीलंकन सब्जी और गोवा में भी इसको बहुत पसंद करते हैं हम लोग, इसको वाली भाजी बोलते हैं कोंकणी लैंग्वेज में। श्रीलंकन वेजिटेबल और ये श्रीलंकन सब्जियां, बहुत मजेदार सब्जी होता है ये, मैंने ट्राई किया हुआ है, बहुत टेस्टी और काफी विटामिन होता है यहाँ इस सब्जियों में। ये श्रीलंका से आती है सब्जी। और ये है अपना फेवरेट सब्जी, कातरून भी दौरले आता ये सगले भाजी करप सांबार जाले रसम जाले सगले करप तुमका एकदम इजी पड़े कद्दू नहीं। तो भाई इस तरह का वेजिटेबल आपको यहाँ पे मिलेगा। जितने जितने वेजिटेबल आप लोग इंडिया में खाते हो उसे 90% वेजिटेबल यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग देखोगे इलाका जैसे कि इन्होंने कैसे प्रिजर्व किया है, ऐसा कैसे जगह बनाया ठंडाई के लिए, तो ऐसा ये वॉक इन फ्रिज है, यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करते हुए इन्होंने इस तरह के सब्जी रखी है। और ये सब्जी दुनिया के कोने कोने से आते हैं, जैसे कि श्रीलंका से ज़्यादा आता है, कि कुछ सब्जी इंडिया से आता है और थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, अलग अलग जगह से आपको यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह मिलेगा। और इतना ही नहीं, सब्जियाँ तो है ही, इसके बाद आपको सूखा मिर्ची हो गया, मसाला पीसने के लिए जो पत्थर होता है इसको हम लोग कोंकणी में रगड़ा बोलते हैं वो है यहाँ पे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये है यहाँ के मैनेजर भाई अपने गणेश जी। इसको जंगली आम बोलते हैं हिंदी में। 699 किलो आंबाड़े।
ये आप यहाँ पे पराठे, यार पराठे यहाँ पे एक से बढ़कर एक मिलेंगे आपको। फिश सिखाता हूँ मैं आपको, फिश सोल फिश मिला जाएगा एक किलो। फ्रोजन मच्छी के बारे में मैं बता दूं, 499 किलो लेफ्ट। ज्यादातर इंग्लैंड में फ्रोजन मच्छी आती है, और चक्कर यह है कि आप फ्रेश दुकान पे देखते हो फ्रेश मच्छियां कुछ नहीं होता, सब फ्रोजन होता है। जो ब्रिटेन की मच्छी होती है वही ताजा मच्छी है बस, और जो इंटरनेशनल मच्छी है जैसे श्रीलंकन हो गया, इंडियन हो गया, पाकिस्तानी जो भी हो गया, ये सारा फ्रोजन आता है, यहाँ पे डिफ्रोस्ट करके ये लोग बेचते हैं। तो अगर आपको सही मछली चाहिए तो आप फ्रोजन ही ले लो ताकि आपको सही टेस्ट मिले। तो काफ़ी सारे ऑफर्स वगैरह रहते हैं, तो उस हिसाब से आपको देखकर मछली लेना होता है। सो ढेर सारा आप ऑफर चलता रहता है साल के 12 महीने। तो ये कुछ मछलियां हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया मछली आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो मैं अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है बहुत जल्दी बिक जाता है। तो चक्कर ये है कि जितना जल्दी प्रोडक्ट बिकेगा मतलब एक्सपायरी डेट का चांसेस कम। तो यहाँ पे है मिर्चियों का सेक्शन, ये बांगड़ा दिखाते हैं आपको, ये इंडियन मैकरल बोलते हैं इसको, ये श्रीलंकन मिर्ची है, ड्राई रेड चिली है, बहुत सारा ड्राई ढेर सारा आपको मिर्ची का वैरायटीज मिलेगा, इंडियन श्रीलंकन वैरायटी पे। और ये झींगे अलग अलग किस्म के झींगे यहाँ पे चॉइसेस है आपके पास, मसाले से ऑप्शन सर कहते वाले। मसाला हो गया, सूखा मच्छी, सूखा झींगा, ये छोटे छोटे झींगे की करी बहुत बढ़िया बनती है। ये पत्थर देखो 90 पाउंड का है भाई, 90 पाउंड। बांगड़ा, सूखा हुआ बांगड़ा, बहुत सारी सूखी मच्छी भी यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे पराठों का ऑप्शंस जो है बहुत बढ़िया है, टेस्को और आजदा में आपको जो पराठे मिलते हैं वो एकदम बकवास पराठे होते हैं, उसमें बहुत ग्रीसी होता है, मज़ा नहीं आता खाने में यार। ढेर सारे चावल के अभी वैरायटीज देखना है यहाँ पे, ऑफर चलते रहते हैं ऐसे। एक और शॉप में मैं अगली बार लेके चलूंगा आपको, साउथ हॉल, बहुत बढ़िया दुकान है। तो वीडियो देखते रहना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये उकड़े शीत बड़े पॉपुलर रहा, 1149 ऑफर एंड स्पेशल ऑफर। टेंडर कोकोनट 299 का एक है, ये वीडियो मैंने अगस्त में बनाया होता, ये साउथ इंडियन नारियल। प्याज का वैरायटीज देखो, बॉम्बे ऑनियन है, वाइट ऑनियन, स्पेनिश ऑनियन, शैलोट्स, पपाया, 6 पाउंड का एक है भाई, पपाया था 599। ये देखो ये साइज जो है पपाया का एक है, कटल 7 पाउंड किलो। ये मशीन पोर्शन वाइज कट करून दोलेला असता दिंग्या जायते वर। इंडियन पॉम्फ्लेट, ये मशीन, और ये चाइनीज पॉम्फ्लेट। चाइनीज पॉम्फ्लेट थोड़ा सस्ता होता है, इंडियन पॉम्फ्लेट महंगा होता है। अब ये सारा हो गया सारा कुछ, अब अर्बन पॉट मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलेंगे, ये भी आपको यहाँ पे मिलेंगे ऊपर, ये रहा। ढेर सारे मिट्टी के बर्तन आपको यहाँ पे मिलेंगे जिसको अर्बन पॉट कहते हैं, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग साइज है। 30 पाउंड के ऊपर आप शॉपिंग करो तो आपको एक करी पत्ता वो लोग गिफ्ट दे देते हैं, बनाना लीव्स, केले के पत्ते, और पूजा पाठ का सामान भी यहाँ पर है, अगरबत्ती, भगवान की मूर्तियाँ, तस्वीर, पार्टी के लिए यहाँ पे प्लेट्स वगैरह, ये पूजा की सामग्री, ये किचन की सामग्री। तो ये हो गया अपना शॉपिंग। तो भाई आज का अपना शॉपिंग तो हो गया है, ये है अपना शॉपिंग। तो अब कट लेते हैं, लगभग 1 घंटा हमने यहाँ पे खाया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जगह, तब तक के लिए धन्यवाद।